देखिए, अभी जो हमारा मोर्चा खनौरी और सिंघू पर शंभू बॉर्डर पर चल रहा है, लगभग 11 दिन हो गए हैं और 11 दिन से सरकार ने इस हाईवे पे हमें रोक के रखा है। पूरे हरियाणा की जो सीमा है उसको सील कर दिया गया है। ये किसी एक देश की सीमा नजर नहीं आती, ऐसा लगता अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो। जो हरियाणा को लगने वाले जो कच्चे भी रास्ते हैं, जितने भी रास्ते हैं, सभी पर फोर्स तैनात की गई है। और जो खनौरी की घटना थी, उस घटना के बाद जो सभी दोनों बड़े फॉर्मों ने KMM किसान मजदूर मोर्चा, SKM गैर राजनीतिक ने, सबों ने निर्णय लिया था कि हम पूरी जो घटना है उसकी समीक्षा करेंगे और तब आगे के बारे में सोचेंगे। तो अब जब हम खनौरी गए हैं, जिस तरह से वहां तोड़फोड़ की गई है, जिस तरह से लूट पाट की गई है, अब जो हरियाणा के DGP या पुलिस अधिकारी या केंद्र बता रहा है कि हमारी तो गोली चली नहीं, तो भाई ये बिल्कुल निराधोष बातें हैं। वहां गोली चली है, उनकी वीडियो है, युवक की मौत हुई है और ये सैनिक और पुलिस की बुलेट से मौत हुई है। बिल्कुल ये हमारा सही दावा, हमारे पास सभी के सबूत है। हमने देश के सामने वीडियो रखी क्योंकि सोशल मीडिया पे पाबंदी लगने के कारण वो वायरल नहीं हो पा रही है, और जो भी वहां तोड़फोड़ की है सबका सबूत है। तो कल जो आ रहा था, जैसे मीडिया में भी उनको नहीं, लगभग 100 से अधिक खनौरी में इंजर्ड हुए हैं और इधर दूसरे बॉर्डर पर 13 इंजर्ड थे। तो बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट था। और इसी के साथ साथ अब जो आगे की समीक्षा है वो लगातार हम कर रहे हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का बयान हम मीडिया पर देख रहे हैं, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि केंद्र के किसी जिम्मेवार मंत्री को ऐसा बोलना चाहिए। वो बोल रहे हैं आगजनी, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो किन्होंने की भाई, कुछ सबूत तो देश की पटल पर रखे। इधर तो आप उधर से शेलिंग कर रहे हैं, आपकी फोर्स ने कल मान लिया भी हम रबर बुलेट चला रहे हैं, शेलिंग तो पूरी दुनिया देख रही। तो अगर रबर बुलेट आपकी पुलिस ने माना तो ये भी मान लेंगे कि हमने मेन गोली जो बुलेट है, असली बुलेट है, वो भी चलाई है। तो ऐसा है, आप अपनी बात को क्यों छुपाते हैं पूरी दुनिया से। और दूसरी बात, भारत सरकार ने एक्स सोशल मीडिया को निर्देश दिए हैं कि जितने भी एक्स के ऊपर किसानों की जो भी पोस्ट डलती है उसे देश भर में डिलीट कर दें। बेशक एक्स ने इंटरनेशनल लेवल पर इसको डिलीट करने से इनकार दिया, लेकिन देश भर में जितने एक्स मीन्स ट्वीट, जो एक्स ट्वीट है, उन्होंने कहा अब देश भर में हमारी कोई भी वीडियो, कोई भी अपनी बात नहीं जाएंगी। तो हम केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से इसका जवाब चाहेंगे कि भाई हम क्या ऐसा बोल रहे हैं जिसपे देश को आपत्ति है, देश सुनना नहीं चाहता। तो दुख की बात है कि हमारी आवाज, जो कुछ आप यहां दोनों बॉर्डरों पर कर रहे हैं, जो कुछ हरियाणा में फोर्सेस कर रही है, वो देश ना देखे, इसलिए जो एक्स ट्वीट है उसके ऊपर आपने पाबंदी लगा दी है, गैर मानवीय है। ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, एक तो ये बात है। जहां तक मैं बोल रहा हूं, वार्ता होनी चाहिए। ये मीडिया में एक तरफा बयान केंद्र के पेश किए जा रहे हैं। हम बोलते हैं, हम तो भाई पर्दे के पीछे पंजाब के अधिकारी आते हैं, वार्ता की बात करते हैं। हमने तो एक ही रिक्वेस्ट की माननीय प्रधानमंत्री से भी, आप एक बयान तो दें कि हम MSP गारंटी का कानून बनाने के लिए तैयार है, बनाएंगे, आगे गतिरोध टूट जाएगा, उस पर भी केंद्र नहीं मान रही। हमने भारत सरकार के मंत्री को बोल दिया कि आप किसी तरह का बयान दे भी MSP गारंटी कानून बनाने के हल के लिए और अन्य मांग की वार्ता के लिए मीटिंग करेंगे, एजेंडा तय करें। एजेंडे का सवाल है तो केंद्र एजेंडा भी तय नहीं करना चाहती। तो और मीडिया में ये भ्रमित कर रही मीडिया को कि शायद किसान लीडर वार्ता नहीं करना चाहते। हमने जब ये घटना घटी तो हमने बोला कि ये बहुत दुखित समय है,
इस समय वार्ता नहीं चल सकती या सामान्य परिस्थिति को आप बहाल कीजिए। हम कहते आप सारा इंटरनेट खोल दीजिए, रास्ते खोल दीजिए, सामान्य व्यवस्था बहाल कीजिए, कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं। हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं, ये हमसे देश चलता है और आप इससे पीछे हटिए। लेकिन केंद्र बाधित है कि हम आपको जमहूरी ढंग से, पीसफुली ढंग से रोज प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं देंगे। जो हम सामने आ रहा, जो अभी कल शुभकरण सिंह की जो मौत हुई थी, उसके बाद पंजाब सरकार से वार्ता जो शुरू हुई थी, उस वार्ता में जो भी अधिकारी भेजे गए थे, दुखद बात है। जब भरोसा आप देते हैं, भरोसे पे क्यों नहीं खड़े उतरते? या तो अधिकारियों में कोई कमी हो सकती है, या कहां कमी है ये तो वो जान सकते हैं। जब हमारी सारी बातें पटल पर मान ली गई कि हम उनके ऊपर 302 का पर्चा करेंगे जिन्होंने कल हमला किया, हम आपको पंजाब सरकार शुभकरण सिंह को शहीदी का दर्जा देगी, ये भी मान लिया गया। कंपनसेशन की बात परिवार से उनकी हो गई, हमने सीधा कर दिया। उसके बाद और जो पोस्टमार्टम है उसके लिए बोर्ड बैठेगा, ये बात भी हो गई। आप वीडियोग्राफी हम करेंगे, ये बात भी हो गई। जब सब बातों के ऊपर सहमति बन गई, आपने कहा ठीक है, ये कल 4 बजे सहमति बनी है, आज 14 घंटे 14.5 घंटे हो गए, पंजाब सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। तो शुभकरण सिंह का जो शहीदी पार्थक शरीर है वह अस्पताल में पड़ा हुआ है। तो ये पंजाब सरकार हमारे शहीदों का जिस तरह से उनकी शहादत का अपमान कर रही है, ये बहुत निंदनीय है। अब बात इस पर अटकी है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जहां पर कल घटना हुई इसकी पड़ताल करनी पड़ेगी कि ये जो जगह थी वो पंजाब या हरियाणा में है। देखिए, तो पंजाब सरकार हरियाणा के जो अर्धसैनिक फोर्स या पुलिस कर्मी हैं, जो उन्होंने बर्बरता कार्य किया, हमारे किसानों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई, गैसें फेंकी, रबड़ की गोली फेंकी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये सब मानछा हम बोलते हैं, हमें बड़े अधिकारी बताते हैं भी जो फर्स्ट FIR होती है उसके लिए कोई भी सबूत जरूरत नहीं, हम पहले करके उसके बाद पड़ताल में पड़ जाते हैं भी इसमें क्या क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन पंजाब सरकार तो उनके ऊपर FIR करने के लिए तैयार नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते थे भी केंद्र सरकार हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, बोला 356 लगाएंगे आपकी सरकार तोड़ देंगे। तो मैं बिल्कुल नहीं परवाह करता, हमें यह बयान अच्छा लगता, हमने बोला बहुत अच्छा। एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम किसान मजदूर को आंदोलन करने का हक देते हैं, पंजाब सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। इससे पहले भी हमने बोला कि जो जहां बैरिकेटिंग हुई है उस पुल की हम आप कल आपको फर्द निकाल के दिखाएंगे, जो गांव वाले ले रहे हैं, वो पुल पंजाब की टेरिटरी में, उसका भी जवाब स्पष्टीकरण नहीं दिया। या पंजाब सरकार स्पष्ट कर दे कि हमारे पास ये नक्शा है, ये सबूत है, ये पुल हमारे में नहीं आ रहा, तो अगर पुल पंजाब में है तो क्यों कर दिया, ये क्या ज्वाइंट ऑपरेशन हो रहा है। इस तरह की बात भी हमने कुछ बातें की भी, जब शंभू पर जब हम 21 को आगे बढ़ रहे थे तो आपके टिप्पर लगे हुए थे, वो हमारा रास्ता रोक रहे। आप मीडिया जाके देखिए, अभी भी टिप्पर लगे। अगर आपने ट्रैफिक को कन्वर्ट करना है तो वैसे जो जहां से मर्जी कर लीजिए, ठीक है। तो दूसरी बात है, आपने लंगर आते हुए हमारे रोके उस दिन, तो ये क्यों किया? बेशक पंजाब सरकार कह रही है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो ठीक है, अच्छी बात है, तो उसकी पुष्टि करें ना, ठीक है। हमें क्या, तो ये अभी मुझे नहीं लगता शुभकरण सिंह का हम लोग दाह संस्कार कर पाएंगे, अभी पंजाब सरकार से वार्ता कंप्लीट नहीं हो पा रही है। अब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा, पोस्टमार्टम रोका जाएगा? हाँ, ये तो अब देखिए ना, अब सरकार जो है अब बात तो मान ही नहीं रही है, तो फिर हम किस तरह से इस बात को कहें कि उनका पोस्टमार्टम होगा या इस तरह की बात की जाएगी। दूसरा, घर परिवार के ऊपर रिश्तेदारों को लेकर बहुत ज्यादा हमारे जो लीडर हैं वहां, वो बता रहे दबाव डाला जा रहा है।
अब पंजाब की दोहरी भूमिका नजर आ गई। आपने वार्ता करनी है, गरीब परिवार है, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हम आपके साथ हैं, तो आप रिश्तेदारों के ऊपर दबाव डालकर घर परिवार के ऊपर इतना दबाव क्यों बना रहे हैं? वो पूरी तरह यूनियन के साथ करें, तो ये इस तरह के दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। आज की रणनीति क्या है? अपने ब्लैक साथ ब्लैक जन में कब से शुरू हुआ? हाँ देखिए, जो कल बर्बरतापूर्ण केंद्र ने किया और हमने स्पष्ट करा है कि सभी देशवासी 140 करोड़ देशवासी हमारे ये अपने घरों के ऊपर जो है काले झंडे लगाएं, अपने हर तरह के व्हीकल के ऊपर काले झंडे लगाएं, ताजो सरकार के सामने अपने अपना जो 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 सरकार ने किया उसका रोष रखा जा सके कि ये किस तरह से कर रहे हैं। और दूसरा, पूरे देश भर में हर गांव गली कूचे में अर्थी मोदी सरकार की जलाई जाए, ताजो जो वो मानवाधिकारों की उल्लंघना कर रही है उसका प्रोटेस्ट हम कर सके। और आज आप देखेंगे पूरे पंजाब समेत पूरे देश भर में और सर ये कार्यक्रम आज के होंगे। शंभू बॉर्डर पर कितने? हाँ, शंभू बॉर्डर पर भी हम वहां सबको निर्देश दिए, अब जाके वहां देखते हैं ये कार्यक्रम हम करेंगे। कल चंडीगढ़ में कुछ जथेबंदियों की मीटिंग हुई, उससे आपका? हाँ देखिए, मुझे उसके बारे में ज्ञात नहीं है। अगर कोई भी हमारे भाई है यूनियन से मीटिंग करते हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं, उसका धन्यवाद। हमने सिर्फ एक ही उनको रिक्वेस्ट और अपील की है, इस तरह का कोई कार्यक्रम हमारे समर्थन में आप कुछ भी कार्यक्रम करें, ये आप आजाद हैं, आपका धन्यवाद। कोई पैरेलल कार्यक्रम ना करें जिससे इन दो आंदोलनों का नुकसान हो। और हम सब हम पहले से कह रहे हैं भी हमारे दोनों फोरमों का एक जाप्ता है, संविधान है, जो भी उस जाप्ता संविधान में आएगा हम उसका वेलकम करेंगे, हम किसी को नहीं कहेंगे। बड़ी लड़ाई है, सभी की यहां जरूरत है, सबको मिलकर हम अपनी मांगे तो हमारी सबकी बिल्कुल सामान्य है, और जो केंद्र के खिलाफ लड़ाई है संघर्ष है वो भी हमारा साझा है। तो छोटी मोटी बातों को छोड़कर जो किसान मजदूर को हम आज दिला सकते हैं वो हमें दिलाना चाहिए। नहीं नहीं, उनका कोई ना तो फोन हुआ ना उनसे कोई तालमेल हो सका है। आगे की रणनीति क्या होगी? कब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? जैसे आपने दो दिन का शांति भी किया था, आगे की रणनीति? हाँ देखिए, अभी तो एक पंजाब सरकार की वजह से अभी एक नया जो डेडलॉक है वो सामने आ रहा है कि हम शहीद का आज संस्कार शायद ना कर पाए जो हम देख रहे हैं। और हमें लगता है पंजाब सरकार दबाव डालकर हमसे परिवार को तोड़ने का यत्न करेगी। चलो सुखद होगा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सामने आए, सारे गतिरोध को दूर करें और जो स्थिति है उनको स्पष्ट करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता अधिकारी बात अच्छी तरह से उधर पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, तो स्वयं मुख्यमंत्री जी इनको देखकर सारी बात को स्पष्ट कर दें। हम आज भी मीटिंग करेंगे, कल भी करेंगे, जब आज मीटिंगें चलती रहेंगी, हमारा कोशिश होगा आज शाम तक सारी स्थिति को स्पष्ट करें। जो हमने देख लिया अब केंद्र का रवैया, एक तो हमारे ऊपर जुल्म भी करते हैं, हमारे किसानों को शहीद भी करते हैं, उसके बाद मानते भी नहीं है और उल्टा अल्जाम लगाते हैं, जैसे केंद्र की मंत्री का बयान है। तो हम सरकार की मंशा को पूरी तरह समझने का यत्न कर रहे हैं कि जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि आपके 10 20 50 किसान जितने भी मारने पड़े मारेंगे और आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, तो इसकी समीक्षा करेंगे।